फर्स्ट लेक्चर इससे पहले देख चुके हैं, इसमें आपको सेट के बारे में बेसिक इंक्वायरी दी थी। उसके बाद मैं आपको बताया था सेट का सिलेबस। सेट के सिलेबस के बाद में हमने उसमें स्टार्ट किया था मैथमेटिकल रीजनिंग, और मैथमेटिकल रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था अपना सीरीज वाला चल रहा था ना, श्रृंखला वाला। सीरीज में आपको बेसिक टाइप बताए थे, सीरीज दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी बताई? एक तो बताई थी अर्थमेटिक, दूसरी बताई थी ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक में तो या तो नंबर प्लस में इंक्रीज होगा या माइनस में डिक्रीज होगा। जो आपकी ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है उसमें मल्टीप्लीकेशन में इंक्रीज होता है ना नंबर। अब देखो सीरीज के कौन कौन से टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें से कुछ टाइप को हम देखने जा रहे हैं ना। आपको दो टाइप की सीरीज बताई कौन कौन सी, अर्थमेटिक और दूसरी बताई थी ज्योमेट्रिक। दो टाइप की सीरीज हो गए ना। अब देखते हैं इसमें आपको मैंने कुछ ये भी बताया था कि सीरीज सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताया था कि एक से लेके 20 तक जो भी संख्या हैं उनके स्क्वायर नंबर आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए ना, लिप्स एंड टिप्स पर। दूसरा, एक से लेके 10 तक की संख्याओं के क्यूब नंबर याद होने चाहिए। तीसरा, जो ए बी सी डी के 26 लेटर हैं उनकी पोजिशन भी याद होनी चाहिए आपको, कि जैसे जो ओ है वो कितने नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, और रिवर्स में भी उनकी पोजिशन याद रखनी है ना, कि ए का अपोजिट कौन होता है, बी का अपोजिट कौन होता है। इतना अगर आप कर लेते हो तो सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो सीरीज जो मेनली होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया दें, इसमें एक प्राइम नंबर पर बेस्ड सीरीज आती है। प्राइम नंबर को बोलते हैं हम क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या एक से डिवाइड होंगी, ऐसी संख्या को बोलते हैं हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इनके केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो एक या खुद। अगर किसी भी नंबर के तीन फैक्टर हैं कम से कम, तो वह संख्या फिर क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना, कंपोजिट नंबर बोलेंगे उसको। तो प्राइम नंबर में आपका कौन कौन सा हो गया, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब ये या तो खुद से डिवाइड होंगी या एक से डिवाइड होंगे ना, ये सारी संख्याएं। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर में भी आपको क्या याद रखना है, ये बाद में भी काम आएगा, कि सारे जो प्राइम नंबर हैं वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। एक्सेप्शन क्या है इसका, नो सर। अच्छा, नो लिख दी क्या, हम नो नहीं आएंगे ना, 17 कर लो ना इसकी जगह पे आप आ गए। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये सही होगा या गलत होगा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं तो गलत है ना। ये दो जो नंबर दिख रहा है आपको, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कैसा होता है, सम होता है, तो ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। दो एक सम संख्या होती है, वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी दो होती है ना अभाज्य संख्या, और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होती है वो भी कौन सी है, दो। तो अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा ना, एक्सेप्शन इसका 2। इसको आपको बिल्कुल नोट लगा के लिखना है, ज्यादातर जो सीरीज बनती है वो प्राइम नंबर पर ही बनती है, मतलब यहाँ तो नंबर्स में प्राइम नंबर का गैप होगा, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है ना, प्राइम नंबर वाला। ये मान के चलो कि अगर 5 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं तो उनमें से एक 100% प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में सीरीज बनती है आपकी एन स्क्वायर पर, जैसे आपको सीरीज दे देगा 1, 4, 9, 16, 25 और आगे क्या आएगा। अब तो देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, यहाँ पे कितने का स्क्वायर आएगा,
सिक्स का, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 36। तो इसको हम बोलते हैं एन स्क्वायर वाली सीरीज, सभी संख्याएं एन के स्क्वायर में बढ़ रही है ना आगे। और आपको क्या दे सकता है, एन स्क्वायर प्लस वन, इसमें आपको कैसे देगा, जैसे इसमें देगा आपको 2, 5, 10, 17 और 26 और यहाँ पे दे देगा आपको क्या आएगा, है ना। तो अब देखो इसमें कौन सी कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, देखो अब इसमें दो दो पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। एक तो पैटर्न ये है, देखो दो एक का स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर प्लस एक, ये दो स्क्वायर प्लस एक, तीन स्क्वायर प्लस एक, चार का स्क्वायर प्लस एक, पाँच का स्क्वायर प्लस एक, यहाँ पे क्या आएगा कितना आएगा 37 आएगा। तो ये पैटर्न भी फॉलो हो सकता है एन स्क्वायर प्लस वन वाला। और अगर आप देखो तो ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, देखो इसमें कितना ऐड हुआ है 3, इसमें 5, तो ये प्लस 3 हुआ है, प्लस 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 हाँ प्लस कितना होगा, तो 26 11 कितना होगा 37 होगा ना। तो दोनों में से कोई सा भी पैटर्न मान लो आप, इस पैटर्न से भी आंसर 37 आना है और उससे भी 37 आना है ना। तो ये हो गया आपका एन स्क्वायर प्लस वन वाला पैटर्न। ऐसे ही हो सकता है आपका एन स्क्वायर माइनस वन वाला पैटर्न, इसमें आपको क्या देगा, इसमें दे देगा आपको जैसे 0 3 और फिर आपका हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा आपका 15, फिर हो जाएगा 25, उसके बाद में आएगा 35, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अब ये आप जब ही कर पाओगे जब आपको स्क्वायर नंबर आते होंगे पहले से ही, लिप्स एंड टिप्स में होंगे, तब आपका दिमाग काम करेगा कि कौन सा पैटर्न हो सकता है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे आप करने बैठो कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 17 का इतना होगा, आपको लिप्स एंड टिप्स पे होना चाहिए, तब आप दिमाग काम कर सकता है कि कौन सा पैटर्न फैलो हो रहा होगा। तो देखो ये सारी जो नंबर हैं आपको दिख रहे हैं ना, देखो 4 होता है वर्ग, 9 होता है, 16 होता है और यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा ना, यहाँ पे 24, उसके बाद में 36 होता है, तो उससे एक एक कम कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे ये कितने का स्क्वायर था 6 का स्क्वायर माइनस 1 था, तो आगे कितना आना चाहिए 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा नंबर यहाँ पे 48 आना चाहिए ना यहाँ पे। समझ में आ गया किस किस टाइप की सीरीज बन सकती हैं। तो एक तो एन स्क्वायर वाली, यहाँ प्राइम नंबर ऐड होगा उसमें, यहाँ ऑड नंबर ऐड होगा, या फिर एन स्क्वायर प्लस वन या एन स्क्वायर माइनस वन। ये जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठो तो ये पैटर्न आपको वहाँ पे अप्लाई करके देखने हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई पैटर्न आएगा ना। फिर ऐसे ही आपका क्या बन सकता है, एन स्क्वायर प्लस एन, जैसे इसमें क्या आ सकता है 2 6 12 20 30 42, क्या आना चाहिए आगे, अब तो देखो किस टाइप से सीरीज चल रही है, इसमें 4 ऐड किया, 4 6 8 10 12 और आगे कितना होना चाहिए 14, तो कितना आएगा 56 है ना। इस तरीके से भी आ रहा है +4 +6 +8 +10 +12 और +14, कितना आ जाएगा आगे
56 आ जाएगा। या फिर आप देखो तो देखो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, तो एक स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा, दो आएगा जोड़ के। अच्छा अब आगे दो का स्क्वायर प्लस दो कितना आएगा, छः। ऐसे ही तीन का स्क्वायर प्लस तीन कितना आएगा, बारह। अब आगे देखो चार का स्क्वायर प्लस चार कितना आएगा, सोलह और चार बीस। पाँच का स्क्वायर प्लस पाँच कितना आएगा, तीस। अब कितना आना चाहिए, छः का स्क्वायर प्लस छः, तो छत्तीस और छः कितने हो गए, बयालीस। बयालीस अब नेक्स्ट डिजिट क्या आना चाहिए, तो सात का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये 56, ये आ जाएगा ना 56। तो इतने सारे पैटर्न फॉलो हो सकते हैं ना सीरीज में। और क्या सीरीज पॉसिबल हो सकती है इसमें एन स्क्वायर प्लस एन के अलावा, और बची आपकी एन क्यूब वाली, जैसे आपको दे दिया वन वन एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर वन टू फाइव, तो फाइंड आउट नेक्स्ट डिजिट। अब देखो आपको नंबर याद होंगे, क्यूब नंबर तभी आपका दिमाग काम करेगा ना, नहीं तो आप अंतर ढूंढते फिरोगे कि इसमें सात का अंतर है, इसमें इक्कीस का अंतर है, इसमें इतने का अंतर है। आपको है ना लिप्स एंड टिप्स पे होने चाहिए क्यूब और स्क्वायर नंबर याद, क्यूब स्क्वायर नंबर और प्राइम नंबर, ये याद रहेंगे तो सीरीज आप कर पाओगे। तो देखो ये है वन, वन का स्क्वायर वन का क्यूब वन, टू का क्यूब, टू का क्यूब कितना होगा, दो इंटू दो इंटू दो करोगे तो एट हो जाएगा है ना। फिर थ्री का क्यूब करो, तीन इंटू तीन तो 27। फिर फोर का क्यूब करोगे तो 64, और पाँच का करोगे तो 125। अब कितने का करना है आपको, छः का कितना होगा, छः इंटू छः इंटू छः 216। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 216। ऐसे भी हो सकता है ना। और जो नेक्स्ट एक और सीरीज पॉसिबल हो सकती है उसमें क्या कारनामा करता है, उसमें दो सीरीज को मिक्स करके दे देता है ना, जिसमें हो सकता है कि एक सीरीज तो बढ़ रही होती है और दूसरी सीरीज घट रही होती है, ये भी दे सकता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये सीरीज दे दी 3, 4, 5, 16, 7, 36, इनके कॉमा लगा लो ना इनके बीच में, हाँ ये सीरीज दे दी 3, 4, 5, 16, 7, 36, 9, 64, 11। देखो इसमें एक संख्या बढ़ रही है, जैसे चार के बाद पाँच आ गया, पाँच के बाद सोलह, सोलह के बाद फिर नंबर घट गया, फिर नंबर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। अगर ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिलता है तो आप मान के चलो कि इसमें दो सीरीज मिक्स हैं, और ज़्यादातर जो सीरीज होती हैं वो अल्टरनेटिव में होती हैं। जैसे अल्टरनेटिव का मतलब एक नंबर छोड़ के एक। देखो तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात दो नौ, नौ और दो ग्यारह। फिर यहाँ पे देखो एक नंबर छोड़ के करोगे तो चार सोलह छत्तीस चौंसठ, और अब ये इस वाली सीरीज का अंक गायब है इसमें, है ना, यहाँ पे इस वाली सीरीज का ही तो आएगा अल्टरनेटिव में आ गई। तो अब देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये चार है, ये सोलह है, ये छत्तीस है, ये चौंसठ है, और आगे क्या आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या आएगा, वापस से वही स्क्वायर वाला कारनामा। ये देखो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, चार का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर, अब कितने का स्क्वायर आएगा, दस का स्क्वायर कितना आएगा, तो सौ। तो यहाँ पे क्या आएगा, हंड्रेड। और पूछे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्टीन।
समझ में आ गई बात। तो ये आपको दिमाग कब लगाना है, जब एक नंबर बढ़ रहा हो और उसके अगला नंबर घट रहा हो, तो उसमें आप दिमाग लगा के देखो कि ये सीरीज, दो सीरीज मिक्स हो सकती हैं। समझ में आ गई बात, ये मिक्स सीरीज का है। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, ये जो सीरीज पॉसिबल हो सकती थी वो तो आपको बता दी, अब नेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में सेट में, उन क्वेश्चन को देखेंगे। इस मैं मिटा रहा हूँ अभी ना इसको। अब देखेंगे यूजीसी नेट और सेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के वेरियस क्वेश्चंस के बारे में ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पी वाई क्यू के बारे में देखने वाले हैं ना। जैसे अभी एक सीरीज आई थी 16, 20, 25, 30, 36, 42 और 49। आपको बताना था कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। ये आपका आया है, ये यूजीसी नेट में आया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन, इधर लिख देता हूँ मैं। यूजीसी नेट ये आया हुआ है आपका 2022 वाले में, जो भी अक्टूबर में हुआ था ना, ये सीरीज आई हुई है। देखो इसको एक बार, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है ना यूजीसी नेट का, उसी में आया हुआ ये क्वेश्चन, देखो है ना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर लो इसको सॉल्व, नहीं तो मैं सॉल्व कराता हूँ ना। देखो 16 और 4 कितने हो गए, 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 तो ये गैप चल रहा है आपका है ना। अच्छा फिर 30, 6 36, 36 और 6 42, अब 42 और 7 49। अब आपको फिर से कितने ऐड करने हैं, हाँ मतलब 2 बार 5, 2 बार 6, फिर 2 बार 7, तो ये हो गया आपका प्लस 7, कितना आएगा 53 या 6। 49 और 7 कितने होंगे 56, तो इस नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा इसका 56। तो देखो वही गिने चुने पैटर्न हैं जो फॉलो होंगे, या तो प्लस में या ये। अब ये इसको अर्थमेटिक का माना जाएगा या ज्योमेट्रिक सीरीज का माना जाएगा, इसको अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, तो मल्टीप्लाई में बढ़ रही संख्या या प्लस में बढ़ रही संख्या, प्लस में बढ़ रही है, इसका मतलब होगा ये अर्थमेटिक का समांतर श्रेणी वाला है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है ना। एक नंबर वाला क्वेश्चन 6, 18, 90, 630, 69, 30, 83, 160, ये एक संख्या आई हुई थी ना ऐसे, 83, 160 है लास्ट में। और आपको बताना था कि इस सीरीज में कौन सा स्टेप गलत दिया गया है आपको, कुछ समझ में आ गया, रॉन्ग स्टेप बताना था। ये भी कब आया हुआ क्वेश्चन आपका, यूजीसी नेट 2022 अक्टूबर वाले में आया हुआ है ना ये भी। सीरीज समझ में आ गई, 6, 18, 90, 630, 69, 30, 83, 160, गलत स्टेप कौन सा दे रखा है आपको इनमें से, नहीं ये बताना है। तो थोड़ा सा आप इसमें मोबाइल की हेल्प लो, मेरे को बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या करना था आपको। देखो 6 × 3 करोगे कितना होता है 18, फिर 18 × 5 करोगे तो कितना होता है 90, फिर 90 × 7 करोगे तो कितना होगा 9 × 7 = 63, 630, फिर अब की बार क्या करना है आपको 609, तो × 9 करो कितना आएगा, देखो यही आता है कि 69, 30 3, 5, 7, 9 नहीं आ रहा, 69, अच्छा 69, 30 × 11 करके देखना
69 30 × 11 छत्तर। अच्छा एक बार इसमें डिवाइड करना, आप 69 30 को कितने से करोगे, 9 7 63 कोई अंक बीच में छूटा थोड़ी, 6 18 90 तो कितना आया ये 630 इंटू कितना कर किया आपने 9 इसको 11 से करना मल्टीप्लाई एक बार, 630 इंटू 69 30 मतलब 69 30 आ गया ना ये। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे 83 160 को 69 30 से, तो ये आ रहा है आपका 12, मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे जब 83 160 आएगा। तो ये सीरीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना एक, तो 9 का मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता वो आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब इसने इसमें गलत स्टेप माना ये वाला। अब इसने यहाँ पे रीजन दिया है कि बाकी सभी में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 5 7 11 लेकिन इसमें कितने का हो रहा है, सम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आ रहा है ना ये वाला स्टेप। तो इस वजह से कौन सा स्टेप गलत है इसमें, ये लास्ट वाला स्टेप गलत हो गया ना, ये नहीं आना चाहिए, मतलब विषम संख्याओं का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 11 की बजाय 9 का मल्टीप्लाई करना था ना, तो बेटर रहती है ना सीरीज। हालांकि ये भी गलत स्टेप ही माना जाएगा वैसे, दोनों ही गलत स्टेप है ना। हाँ 3 5 7 तो 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रीजन दिया गया है कि ये सब विषम संख्याओं का हो रहा है सब में, और इसमें सम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 1 3 6 10 और यहाँ पर क्या आएगा, ये भी आपका आया हुआ है UGC नेट 2021 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है। देखो इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है सीरीज में, देखो 1 कितना हुआ है +2 3 + 3 4 + 4 अब कितना आना चाहिए, तो कितना आएगा 15, इससे जी तो क्या होगा है ना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, और क्वेश्चन देखो 41 27 18 यही आपका 41 27 16 8 है ना, 16 और 8 अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ये आपका NTA ने नेट करवाया था, उसमें आया हुआ है NTA नेट वाले 2018 में, देखो पता करके क्या आना चाहिए इसमें। तो पहले देखो आप ऐसी सीरीज में पहले गैप पता करो दोनों में गैप क्या है, जैसे 41 और 27 में कितने का गैप है, 3 और 41 लगभग 14 का गैप है, मतलब आपने इसमें से कितना घटाया होगा, 41 में से 14 घटाया होगा तब जाकर 27 आएगा। इसमें देखो कितना गैप है 11 का, मतलब इसमें से आपने -11 किया, इसमें से कितना किया है आपने, देखो इसमें भी एक सीरीज बना दी इसने, पहले 14 घटाया फिर 11 घटाया फिर 8 घटाया, अब कितना घटाना चाहिए इसको, मतलब इसमें भी तीन तीन कम करता जा रहा है ना ये, तो 14 11 8 और अब 5 घटाना चाहिए, तो कितना होगा -5, तो 8 में से -5 करोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा ना सीरीज वाले क्वेश्चन में, कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, दिमाग काम कर जाए तो एक आर्ट वाले का भी कर जाए, और काम नहीं करे तो जो मैथमेटिक्स या MSc उसका भी नहीं करे काम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको तो आप उतारो जल्दी से। चलो इसको हम मिटा रहे हैं ना, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। फिर सीरीज आई थी आपकी ऐसी 12 15 21 33 57
तो नेक्स्ट क्या डिजिट आने वाला है? तो देखो ये 12 15 बहुत नज़दीक है, मतलब मल्टीप्लाई का मामला तो हो नहीं सकता। मल्टीप्लाई करता है तो 24 आ जाए, 24 से बड़ी हो तो मान सकते हैं कुछ, तो मल्टीप्लाई का मामला तो है नहीं। मतलब ये कुल मिला के सीरीज जो चल रही है एक तरह से अर्थमेटिक सीरीज जो थी ना उस टाइप में चलेगी ये। तो पहले इस केस में फिर आपको अंतर पता करना होता है ना, अगर अर्थमेटिक सीरीज है तो पहले अंतर पे फोकस करो ना, कितने का अंतर है सब में। तो देखो ये आपका एनटीए नेट में आया हुआ है 2018 में। देखो सबसे पहले अंतर पता करो, 12 और 15 में कितने का गैप है, +3 का। 15 में कितना ऐड किया आपने, 7 या 6, 6। 21 में कितना ऐड किया है आपने, 9। देखो एक बार, 12। 33 में कितना ऐड किया होगा, घटा लो 57 में से 33, तो कितना हो गया, 24। अब 57 में ऐड करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो देखो 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, तो कितना ऐड करोगे इस बार, तो करो ऐड 48, कितना हो जाएगा, 7 8 15, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ये आया हुआ है आपका एनटीए नेट 2018 में, ऐसे दिया था आपको 12 20 18। ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है जो यहाँ पे सीरीज में डाल दिया है ना, ये आया था एमपी सेट में 2018 में आया हुआ है ना ये क्वेश्चन, ऐसे आया था 12 अनुपात 20, समानुपात 18 अनुपात, यहाँ कितना आएगा, मतलब ये नंबर आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अनुपात समानुपात में कुछ भी याद नहीं रखना आपको, क्या करना होता है केवल जो बाहरी संख्या है इनका मल्टीप्लाई और जो दोनों अंदर वाली है इनका मल्टीप्लाई, दोनों बराबर आना चाहिए इसका, बस ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो बाहर संख्या आपको निकालनी है, आपको नहीं पता है कितनी है, तो एक्स वाई जेड जो भी आए आपको समझ में, वो मान लो। तो हमने क्या मान लिया, एक्स, तो 12 इंटू एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 20 इंटू 18, मतलब जो बाहरी संख्या है उनका मल्टीप्लाई और अंदर की संख्या उनका मल्टीप्लाई दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बताओ एक्स बराबर क्या बचेगा, 20 इंटू 18 बट्टे, सॉल्व कर लोगे इसको अब। देखो ये 6 से कटेगा 3 बार, ये 2, तो कितना आ जाएगा, 60 बट्टे 2 बराबर 30। अब इससे ही कुछ हो सकता है अनुपात समानुपात से, इससे ही कुछ भी नहीं है, अंदर वाली संख्याओं कर लो और बाहर वाली का कर लो, दोनों का बराबर होना चाहिए बस मल्टीप्लाई करके। ये आपका आया हुआ है एमपी सेट में 2018 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ए बी बी सी डी एफ ई, और आगे क्या था इसमें, सी डी एल है, बी सी एफ और सी डी एल है, बी सी एफ सी डी एल। अब बताना है आपको नेक्स्ट क्या आएगा आगे, ये आपका यूजीसी नेट नवंबर 2020 में आया हुआ है। यूजीसी नेट नवंबर 2020 में आया हुआ है। अभी आपको वो एबीसीडी वाला बताया था मैंने, याद करने के लिए बोला था। देखो फर्स्ट लेटर में वो करो है ना कंपैरिजन, ए बी सी, आगे क्या आएगा, डी आ जाएगा, फर्स्ट लेटर तो हो गया डी, फिर है बी सी डी, यहाँ पे क्या आएगा, ई, फिर देखो बी, बी से क्या बना है, एफ, कितने लेटर बीच में छूटे हैं, सी डी ई, 3 या 4, 3 लेटर बीच में गैप है, मतलब सी डी ई, सी डी ई 3 लेटर बीच में छोड़ दिया है ना। फिर यहाँ से आप देखोगे एफ और एल में कितने छूटे हैं, जी एच आई, पांच छूटे हैं ना,
यहाँ पे तीन छूटे, यहाँ पे पांच छूटे, अब की बार कितने छोड़ेगा ये? फिर सात छोड़ेगा, तो सात एल में सात लेटर ऐड कर लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर डी ई, और सात ऐड करोगे तो क्या आएगा? टी आएगा सात ऐड करके। ये ऐड हुआ है कितना? प्लस तीन, प्लस पाँच और प्लस, तो क्या आएगा? टी, टी आ जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना जिसमें आपको मार्क्स ऐसे मिल जाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी उतारा जाए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो नेट में आया हुआ है ना। माइनस वन, पाँच, पंद्रह, उनतीस, ये भी आपके एनटीए नेट में आया हुआ है ना क्वेश्चन। तो कुल मिला के आप इतना तो समझ गए होंगे कि सीरीज इतना हार्ड नहीं होती, बस आपका थोड़ा पैटर्न पर काम करना चाहिए दिमाग कि कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है ना किसी भी सीरीज में। और जो भी सात आठ टाइप की बेसिक सीरीज बन सकती हैं वो सब आपने सीख ली, कौन कौन सी बन सकती हैं, अब बस उसको थोड़ा सा अप्लाई करना है, कैसे करना है। अब देखो इस सीरीज में क्या दिमाग काम कर रहा है आपका, माइनस वन, फाइव, फिफ्टीन, जो भी है। ये क्वेश्चन जुलाई 2018 में आया हुआ है ना नेट में। यूजीसी नेट में ना, देखो क्या दिमाग काम कर रहा है इसमें। अंतर पता करो सबसे पहले, कितना अंतर है इसमें, कितना अंतर है माइनस वन और फाइव में, कितना अंतर होता है? आशीष चार का या छः का? कितना अंतर होगा? छः का। पाँच में और पंद्रह में कितने का अंतर है? पंद्रह में और उनतीस में कितने का अंतर है? देखो छः चार दस, दस और चार चौदह, और चौदह और चार कितने ऐड करोगे इसमें? तो उनतीस और अठारह कितने होते हैं? सैंतालीस। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा? 47 आएगा ना इस सीरीज में। अब आपको क्या करना है, जो बेसिक क्वेश्चन थे जो सीरीज के, वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको खुद भी सॉल्व करके देखने हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से, व्हाट्सएप नंबर पे भेज भी सकते हो, 7891121253, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ जो वीडियो आपको अभी YouTube पर जिसमें आप देख रहे हो उसके कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई भी है ना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो। और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फुल वीडियो का तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।